हाँ मतलब जो डिस्कस किया था वो कौन सा टॉपिक था? प्रोपेलर सेट कब हो गया था? ठीक, प्रोपेलर सेट, व्हाट इज प्रोपेलर सेट, फिर उसके जो कितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन हो गया था, फिगर हो गया था, उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है यूनिवर्सल रूल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल फिगर। तो इसमें बहुत सारे हैं, अभी मैं ड्रॉ नहीं करूंगा। तो इसमें क्या है यूनिवर्सल जॉइंट, पहले देखते हैं यूनिवर्सल जॉइंट का यूज कहाँ कहाँ होता है ऑटोमोबाइल में। बेसिकली यूनिवर्सल जॉइंट का जो यूज होता है, इसका प्रयोग जो है वाहनों में दो सेफ के बीच में मरोड़ टॉर्क, या कहिए कि पावर को एक सेफ से दूसरे सेफ में ट्रांसफर करने के लिए जो है यूनिवर्सल जॉइंट का यूज किया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल जॉइंट, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट मतलब क्या है, ये एक जॉइंट है, एक जोड़ है। तो जहाँ पे जो जॉइंट होगा वो आखिर कोई दो वस्तुओं के बीच में ही ना जॉइंट होगा, वैसे तो होगा नहीं। मतलब कोई एक वस्तु है वो किसी दूसरे टाइप के वस्तु से क्या हो रही है, यूनिवर्सल जॉइंट के द्वारा मिल जा रही है, जुड़ गई है। ठीक है, तो यूनिवर्सल जॉइंट का यूज जो है, इसका उपयोग जो है वाहनों में, अब सपोज करो दो सेफ है, ठीक है, वाहनों में दो सेफ को जोड़ने के लिए किया जाता है। लेकिन अभी इसमें कंडीशन है, ये तो ठीक है यूनिवर्सल जॉइंट का यूज हम लोग दूसरा सेफ को जोड़ने का, अगर कोई आपसे पूछे जैसे आपका वाइवा होगा, ऐसे पूछ दिया यूनिवर्सल जॉइंट क्या होता है, जरा बताइए यूनिवर्सल जॉइंट के बात बारे में, तो आप क्या कहेंगे? सिंपल कहेंगे सर ये एक साधारण सा जोड़ है जो दो सेफों के बीच में किया जाता है। चलिए इतना तो हो गया, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन, यूनिवर्सल जॉइंट को हम तब यूज करेंगे, तब इसका उपयोग करेंगे जब दो सेफ जो है वो संरेखित ना, लीनियर ना, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई दो सेट सीधे है, मान लीजिए अगर एक सेट करते हैं दूसरा सेट करते हैं सीधा सीधा, तब मतलब इसका कोई मतलब नहीं, वो तो देख हो जाएगा। बहुत सारे मेथड है ज्वाइन करने के, तब क्यों इसको यूनिवर्सली ज्वाइन, यहाँ कंडीशन कि अगर वो सेट लीनियर संरेखित होंगे मतलब सीधे होंगे, उस कंडीशन में इसको मत नहीं जोड़ा जाएगा, इसको जोड़ा जाएगा तब जब दोनों सेट क्या हो, असंरेखित, असंरेखित मतलब दोनों सीधे ना, इनके बीच में कोई कोण, ठीक है, उनके बीच में कोई कोण बना हुआ, उस कंडीशन में हम यूनिवर्सल जॉइंट का यूज करते हैं। अब ये कोण कितना होना चाहिए, तो इनके बीच में जो है न्यून कोण होना चाहिए, न्यून कोण जिसको कि हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है, एक्यूट एंगल, इनके बीच में एक्यूट एंगल न्यून कोण होना चाहिए। लेकिन अब एक्यूट एंगल आपका जो है न्यून कोण से होता है 0 से लेकर के 90 के बीच जितने भी होते हैं वो सब न्यून कोण कहलाते हैं, नहीं तो इतना बड़ा इसमें वो वेरिएशन नहीं है। ये जो है आपका इनके बीच में 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच का कोण आपको होना चाहिए, ठीक है, 5 डिग्री से 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का आपको कोण बनना चाहिए, ठीक है, तब हम क्या करेंगे यूनिवर्सल जॉइंट का यूज करेंगे, यूनिवर्सल जोड़ का यूज करेंगे। तो अब देखो अगर ये सारा चीज हम मिला दें, अभी तक जो मैंने बोला है, तो आप ऐसे कह सकते हैं यूनिवर्सल जोड़ का प्रयोग वाहनों में दो सेट जो कि असंरेखित हैं और उनके बीच में 5 से 30 डिग्री का कोण बन रहा हो, वहां पे उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये आपका जो है यूनिवर्सल जोड़, जिसको हम यूनिवर्सल जॉइंट कहते हैं, इसका छोटा सा डेफिनेशन।
अब इसको आप फिगर देखिए, अब फिगर ये मैंने बनाया है, अब यहाँ पर क्या है, ये चिपका, कल मैंने बताया था चिपका, चिपके को क्या कहते हैं, लेफ्ट है ये आपका पिन है, फिक्स किया गया है, और ये आपका केबल ब्लॉक। अब होता क्या है, यूनिवर्सल जॉइंट जो है वो बेसिकली जो है आपका दो चीजों से मिलकर के, मतलब इसको जोड़ा जाता है, जोड़ किया जाता है, पहला है आपका चिपटा और दूसरा है आपका केबल ब्लॉक। अभी इसको हम अलग से फिगर बना के अभी आपको समझा देंगे चिपटा क्या है। चिपटा तो ये यहाँ पर देखो, ये ऐसी संरचना है, ठीक है, कुछ इस तरीके का है। अब इनके बीच में हम क्या करेंगे, एक केंद्रित ब्लॉक क्या कर देंगे, पिन की सहायता से जोड़ देंगे, ठीक है। तो जब ये जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फंस जाएगा ना, ये इसी को हम कहेंगे जॉइंट, यूनिवर्सल जॉइंट। अभी इसको अगर मैं बता दे रहा हूँ, तो देखो ये एक चिपटा, ठीक, और इसके बीच में यहाँ पे देखो एक आपका जो है सिलेंडर टाइप का है, ये वाला जो है, ये भी है आपका केंद्रीय ब्लॉक। तो केंद्रीय ब्लॉक को इस चिपके के अंदर हम क्या किए हैं, फिक्स कर दिए हैं, पिन के द्वारा जो है इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसी केंद्रीय ब्लॉक के फर्दर एक चिपका हमने जोड़ा, यहाँ पे किया, देखो यहाँ पे वो है पिन का हमने वो कर दिया है, फिर यहाँ पे इसकी सहायता से हमने एक चिपका लगाया और इस चिपके के द्वारा एक सेफ, मतलब इस चिपके पर एक सेफ लगा हुआ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये चिंता है, एक चिंता के यहाँ एक चिंते के द्वारा यहाँ पे सेफ लगा है और एक चिंता आपका यही है, इस चिंते के द्वारा आपका ये सेफ जुड़ा हुआ है, और ये जो कैसे जुड़े हुए हैं, केंद्रीय ब्लॉक को हम इस चिंते में क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, पिन के द्वारा हमने जोड़ लगा दिया, ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से एक सेफ दूसरे सेफ से क्या होता है, जुड़ जाए। तो अब यहाँ पे ये जो जोड़ हो रहा है, इसी जोड़ को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल जोड़ कहते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट कहते हैं, ठीक। उम्मीद है यूनिवर्सल जॉइंट का थोड़ा सा जो बेसिक जो मैंने बताया है ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो बच्चे अगर लेट में आए हैं या जिनको ना समझ में आया, मैं ये कह रहा था कि यूनिवर्सल जोड़, यूनिवर्सल जोड़ क्या होता है, यूनिवर्सल जोड़ एक सरल जोड़ है जो दो सेफ को जोड़ने के लिए, उनके संयोजन के लिए किया जाता है। उन दो बशर्ते वो दोनों सेफ क्या होने चाहिए, संरेखित न असंरेखित, ठीक है, नॉन लीनियर, ठीक, और उनके बीच का जो कोण है वो 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हो। इस कंडीशन में, इस अवस्था में जो जोड़ हम जोड़ेंगे, इन दोनों सेफ्टों को हम जोड़ेंगे, उस जोड़ को हम कहेंगे यूनिवर्सल जोड़, यूनिवर्सल जोड़। और उसका फिगर कुछ इस तरीके का है, डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे एक सेफ्ट इस चिमटे से जुड़ा हुआ है, दूसरा सेफ्ट इस चिमटे से जुड़ा हुआ है, और इस चिमटे को हमने क्या किया, अच्छा इस चिमटे को हमने जो है केंद्रित नाम कर दिया, जोड़ बना दिया, और इस चिमटे को फिर इस केंद्रित ब्लॉक के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये जो जोड़ है, अब ये जोड़ कहाँ पे होता है, जोड़ यहाँ पे होता है, ये जो हिस्सा है ये जोड़ वाला, इस केंद्रित ब्लॉक को इस चिमटे के साथ जोड़ा और इस चिमटे को बदल इस केंद्रित ब्लॉक के साथ जोड़ दिया, तो तीनों आपस में जुड़ गए, इसी जोड़ को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल जोड़ या यूनिवर्सल जॉइंट। चलिए अब हम चिमटे और केंद्रीय ब्लॉक का थोड़ा सा अलग से फिगर बना दे रहा है, हालांकि इसमें उम्मीद है कि ये हो गया होगा, लेकिन फिर भी आप लोग देखो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फिगर आपको क्लियर रहेगा तो माइंड में अपने आप रख दिया, फिगर और ब्लॉक डायग्राम इन दोनों का कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं कोई भी टॉपिक चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको ये भी समझ में आएगा ऐसा क्लियर अगर हम थ्योरी लिख पाए, थ्योरी तो लिखना ही है, लेकिन ये जो है ज्यादा सही है।
देखो ये आपका फिगर है और ये सर है, ये आपका चिंता और ये आपका जो है केंद्रीय लाभ अब इस केंद्रीय लाभ के दो भुजाएं पहली भुजा ये और दूसरी भुजा जो इससे पहले जस्ट मैंने अभी फिगर बनाया था उसमें क्या था ये चिंता को इस चिंते में तुम देखो ये सेफ जुड़ा हुआ ठीक है। अब इस चिंते में हम क्या करेंगे इस केंद्रीय ब्लॉक के किसी भी भुजा चाहे इसको अंदर लाएंगे और फिर क्या करेंगे पिन के द्वारा नट बोल्ट के द्वारा या जिसके भी माध्यम से हम क्या करेंगे इसको जोड़ कर देंगे। तो ये अब ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को और जो अभी जस्ट मैंने अभी पहले बनाया था उस डायग्राम को अगर आप कंपैरिजन करें उसकी तुलना करें तो आपको वो डायग्राम अब समझ में आ रहा होगा। उसमें भी यही था इसके अंदर हमने क्या किया था ऐसे फिक्स कर दिया था दिखाया था एक सिलेंडर ठीक है ये आपका केंद्रीय ब्लॉक ठीक। अब इस केंद्रीय ब्लॉक के इधर हमने क्या किया था एक फिर चिपका दिया था और यहाँ पे एक स्टेप जुड़ा ये इसको हमने जोड़ दिया था चिपके बस यही था कि ये चिपका है इसमें केंद्रीय ब्लॉक हमने फिक्स किया और इस केंद्रीय ब्लॉक की या तो फिर ये दूसरे चिपके के थ्रू दूसरे सेट पे क्या कर दिया जोड़ दिया क्लियर है ना। तो ये डायग्राम आपका हो गया। अब अभी बहुत सारे डायग्राम है एक डायग्राम और है लेकिन अभी एक दो पॉइंट बता दे रहा हूँ फिर उसके बाद डायग्राम मैं बनाऊंगा। अब इसमें एक दो चीज और दिया हुआ है बुक में जो कि मुझे लग रहा है बता ही देना चाहिए इम्पोर्टेंट लग रहा है ये एक पहले मैं फिगर बना दे रहा हूँ उसके बाद एक्सप्लेन
अब देखो ये आपका एक और फिगर है, ये भी देखो, ये जो ज्वाइंट है और ये ज्वाइंट, ये दोनों क्या है, यूनिवर्सल जोड़, यूनिवर्सल ज्वाइंट। अब इसमें भी हमने क्या किया, ये आपका जो पोर्शन है आपका क्या है, सेट, ठीक, आपका सेट, ये आपका क्या है, चिंता, इसको हम फॉर्म कहते हैं, ठीक। ये आपका, ये भी आपका सेट है, ये आपका फर्स्ट सेट है, ये आपका सेकंड सेट है, और ये आपका जो है थर्ड सेट, ठीक। ये भी आपका फॉर्म फॉर्म तो अब देखो इस फिगर में क्या है, इस फिगर में ये कह रहा है कि दो यूनिवर्सल ज्वाइन, अब यहां से क्या है, एक ज्वाइन में ये है, एक ज्वाइन ये है और एक ज्वाइन ये, तो दो यूनिवर्सल ज्वाइन का यूनिट कहां पे होगा। अभी तक तो आपने क्या पढ़ा, अभी तो सही है पढ़ा कि यूनिवर्सल ज्वाइन क्या होता है, इसका यूज कहां होता है, ठीक है, लेकिन अब वाहनों में दो यूनिवर्सल ज्वाइन का यूज कहां होता है। एक यूनिवर्सल जॉइंट का यूज क्या, इसका यूज हम लोग कहां करते हैं, प्रयोग कहां करते हैं, दो सेट को जोड़ने के लिए। तो हम दो यूनिवर्सल जॉइंट का यूज कहां, किस किस जगह कर रहे हैं, यहां पे हम एक सेट को दूसरे सेट से तीसरे सेट के माध्यम से अब क्या कर रहे हैं, जॉइंट कर रहे हैं। अब यहां पे तभी मैंने नंबरिंग कर दिया, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब तीन सेट हैं, तो पहले और तीसरे वाले सेट अगर हमको जोड़ना है तो हम दूसरे वाले सेट के माध्यम से क्या करेंगे, दो यूनिवर्सल जॉइंट लगा करके जोड़ देंगे, ठीक है। वही काम है यहाँ पे भी, दो सेट के बीच में जो है क्या नाम है, पावर को या कहिए गति को ट्रांसफर करने के लिए ही इसका यूज किया जा रहा है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे देखो दो यूनिवर्सल जॉइंट, तो दो यूनिवर्सल जॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, पहला सेट ये है और तीसरा सेट हमारा ये है, तो यहाँ की गति हमको यहाँ पहुंचानी है, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे सेट के माध्यम से इन दोनों के अलावा एक और कोई सेट प्लग लेंगे, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, यहाँ से जो गति है उस सेट तक पहुंचा देंगे। लेकिन ये कब होगा, अच्छा एक चीज और देखो, ये सेट और ये सेट संरेखित नहीं नहीं है ना, और यही कंडीशन भी था जब दो सेट क्या है, असंरेखित, उस कंडीशन में ही हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल जॉइंट का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यहाँ ये दोनों सेट एक दूसरे से संरेखित नहीं है, ये भी इससे भी संरेखित नहीं है, ये जो है इससे संरेखित नहीं, लीनियर तीनों लीनियर नहीं, कहने का मतलब है तीनों लीनियर नहीं है, तीनों असंरेखित, और इनके बीच में कोण बन रहा है। तो देखो अगर हम सपोज कर रहे हैं इस सेट और इस सेट के बीच में अल्फा कोण बन रहा है, उसी तरीके से इस सेट और इस सेट के बीच में भी अल्फा कोण बन रहा है, तो यहाँ कंडीशन क्या है, इस तरीके की संरचना में इस सेट का गति इस सेट पर तभी स्थानांतरित होगा, ट्रांसफर होगा, जब इन दोनों के बीच का कोण क्या हो, बराबर, ठीक है। इन दोनों अब जब यहाँ पे कोण बन रहा है इसका, इस सेट के साथ जो कोण है अल्फा, अगर इस सेट का इस सेट के साथ अगर ये कोण कुछ और हो गया अल्फा के अलावा, तब क्या होगा, तब इसकी जो गति है यहाँ से वहां तक ट्रांसफर तो होगी, लेकिन फिर उसमें बहुत सारे क्या हो जाएंगे, हरासमेंट हो जाएंगे, कहीं जो है मतलब एनर्जी जो है, जो आपका पावर है, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उसका वेस्ट, वो वेस्ट हो जाएगा इधर उधर। जैसे अब यहाँ पे अगर आपको जो है क्या कहते हैं 100 वॉट का जो है पावर सप्लाई मिल रहा है, तो वहां तक जाते जाते क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर इनके बीच में दोनों एंगल सेम हो गया, दोनों कोण सेम हो गया, उस कंडीशन में जो गति है वो अगर यहाँ 100 है, तो वहां पे जो है आपका 95-96 कुछ इस तरीके से, देखो हरासमेंट से थोड़ा आपका खर जाएगा, ठीक है, लेकिन वो लगभग एक्यूरेटली वहां तक पहुंच जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि दो यूनिवर्सल जॉइंट का यूज कहां होता है, दो यूनिवर्सल जॉइंट के यूज से जो है हम क्या करेंगे,
एक सेल को किसी दूसरे सेल से मतलब सॉरी एक सेल की गति को किसी दूसरे सेल तक ट्रांसफर करेंगे किसी तीसरे सेल के माध्यम से, किसी तीसरे सेल के माध्यम से हम एक सेल की गति को दूसरे सेल की गति तक एक सेल की गति को दूसरे सेल तक क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे। और इस कंडीशन में हमको क्या करना है, दो यूनिवर्सल जॉइंट का यूज करना। अब यहाँ पे ये जॉइंट है ये क्या है, यूनिवर्सल ही जॉइंट है, फिर तो कितने रहा यूनिवर्सल जॉइंट, वहां पे उस साइड में जो जॉइंट था वो भी यूनिवर्सल जॉइंट, ठीक है, तो दो जॉइंट। ठीक, उम्मीद है कि अब ये रहेगा यूनिवर्सल जॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसमें देखिए यूनिवर्सल जॉइंट में कुछ है नहीं, सिंपल एक चिमटा है, एक फॉर्क है और दूसरा आपका जो है केंद्रीय ब्लॉक है, ठीक है, सेंटर ब्लॉक है। इन्हीं दोनों को आपस में क्या किया जा रहा है, पिन के द्वारा, नट बोल्ट के द्वारा, जिससे भी आपका ये जोड़ दिया जा रहा है, ठीक। इस जोड़ को ही हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल जॉइंट कहेंगे। और यही जो है आपका जो है ये इस जोड़ के माध्यम से हम दो सेल्स के बीच के गति को क्या करते हैं, दो सेल्स के बीच आदान प्रदान उसका कर सकते, ठीक है। तो ये आपका एक और फिगर था, अब इससे काफी क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज ये भी बताना है, जैसे यूनिवर्सल जॉइंट में दो चीजों का, दो वस्तुओं का यूज किया जा रहा है, एक तो है चिमटा फॉर्क और दूसरा क्या है आपका केंद्रीय ब्लॉक सेंटर ब्लॉक, ठीक है। अब ये किससे बना होता है ये भी तो इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए मायबा में पूछ ही दिया, चाहिए बताइए चिमटा किससे बना होता है, किस किस मटेरियल से बना होता है, तो भाई मैकेनिकल और मोबाइल के स्टूडेंट है तो पता होना चाहिए। जो चिमटा और ये जो आपका वो है केंद्रीय ब्लॉक, ये दोनों ही देखो चिमटा फॉर्क और सेंटर ब्लॉक ये दोनों ही और मतलब जान उसके थोड़ा देखने में भी लिख रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। फॉर मतलब चिमटा, सेंटर ब्लॉक मतलब केंद्रीय ब्लॉक, केंद्र ब्लॉक, ठीक है। ये दोनों ही आपका जो है माइल्ड इश्यू, माइल्ड और माइल्ड इश्यू या बनाने के लिए क्या करते हैं,
दिया, तो ये उसके लिए हम लोग साफ सफाई उसका करते हैं, उसको जो है लुब्रिकेट करते हैं, तेल पानी उसमें साफ सफाई करते हैं अपना, तो वही चीज इसमें भी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप यूनिवर्सल जॉइंट का मैंने सारा टॉपिक क्लियर कर दिया, फिगर बना दिया, इसमें कौन कौन सी वस्तु यूज होती है, मेनली दो ही चीज यूज होता है, आपका जो चिंता और क्या कहते हैं केंद्रीय ब्लॉक किस मटेरियल का बना होता है, ये भी हो गया, ठीक है। इसके लिए जो है इसके लाइफ टाइम को बढ़ाने के लिए, अवधि को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम हम कर लेंगे, ये आपका जो पूरा आपका यूनिवर्सल जॉइंट खत्म, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।